नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। रौनक भंडारी का शव अंततः मिल ही गया। जी हां, रौनक कल शाम को अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए हुए थे। वहां पर इसी दौरान सारे बच्चे, 7 लोग थे, सारे के सारे डॉक्टर पानी में उतर गए नहाने के लिए। रौनक डूब गए। अंततः काफ़ी प्रयास के बाद प्रशासन को आज उनका शव मिला। रौनक के बारे में मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले ही MBBS की परीक्षा खत्म हुई थी। आज उनको अपने घर जाना था, खरगोन। लेकिन हुआ क्या, उनका शरीर ही खरगोन जा पाया और वो भी रीवा कभी ना लौटने के लिए। MBBS के एक होनहार छात्र की मौत हो गई। वजह थी पानी में डूबने की, लेकिन इसके पीछे क्या यही वजह मानी जाएगी? बिछिया थाने में इस समय रीवा शहर में लॉकडाउन का माहौल है। चारों तरफ पुलिस बैरिकेड्स लगा के लोगों को रोक रही, खास तौर से गरीब लोगों को। सब्जी वाले पुलिस के निशाने पर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि डॉक्टर, 7 डॉक्टर, एक नहीं 7 डॉक्टर पूरे के पूरे बिछिया पुल से निकलते हुए सिलपरा तक कैसे पहुँचे। अपने आप में रौनक भंडारी की मौत इन सवालों को जन्म देती है। अब देखना इन सवालों को क्या कोई खोजने की कोशिश करेगा या हमेशा की तरह इनको भी दफना दिया जाएगा। रौनक भंडारी के शव मिलने के बाद प्रशासन से जब हमने इस बारे में बात की तो उनका क्या कहना था, आइए आपको वह भी सुनवाते हैं। कल शाम को करीब 5 बजे यह सूचना प्राप्त की कि MBBS लास्ट ईयर का छात्र रौनक भंडारी जहां अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए थे तो वो डूब गए थे। तो कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार इस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। रात के 12 बजे तक वहाँ पर रेस्क्यू की है, डेड बॉडी रिकवर नहीं किया था। सुबह 5:30 बजे फिर प्रयास किया था, वहाँ भी डेड बॉडी रिकवर नहीं है। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचने का यही एकमात्र इलाज है। अभी तक हमने ये करके दिखाया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।